रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, 50 मीटर तक विजिबिलिटी गिरी है, मौसम का मिजाज बदला है, कई जिलों में घनी धुंध छाने की चेतावनी जो है वो जारी की गई। मनाली का तापमान 1.6 डिग्री पहुंच चुका है, तो तापमान में भारी गिरावट, निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है, ठंड की ठिठुरन बढ़ गई है, 50 मीटर तक विजिबिलिटी गिरी है, विजिबिलिटी जीरो हो गई है, तो कई जिलों में घनी धुंध छाने की चेतावनी जो है वो जताई जा रही है। मनाली का तापमान 1.6 डिग्री पहुंच गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। निचले इलाकों में ठंड जो है वो बढ़ गई है, तो बड़ी खबर, 50 मीटर तक विजिबिलिटी जो है वो गिरी है, ये बड़ी खबर आ रही है। कई जिलों में घनी धुंध छाने की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। मनाली का तापमान 1.6 डिग्री तक जा पहुंचा है, निचले इलाकों में ठंड जो है वो यहां पर बढ़ती जा रही है, 50 मीटर तक विजिबिलिटी जो है वो गिरी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लगातार जो तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, हालांकि टूरिस्ट सीजन होने के चलते भी अब लोगों, जो टूरिस्ट है, जो सैलानी है, उनका आना यहाँ पर शुरू हो गया है, लेकिन फिलहाल एहतियात के तौर पर भी लोगों से अपील यही की जा रही है कि अगर वो हिमाचल का रुख कर रहे हैं तो सावधानी इस दौरान जरूर बरतें, और गाड़ी चलाने के दौरान, लेकिन लगातार बढ़ती ठंड जो है उसने एक बार फिर से ठिठुरन बढ़ा दी है। विजिबिलिटी पर इसका काफी ज्यादा असर जो है इन दिनों पड़ता है, क्योंकि साल का आखिरी महीना जो है वो आने को है, खासकर दिसंबर में जो टूरिस्ट सीजन है वो बहुत ज्यादा पीक पर होता है हिमाचल प्रदेश में, और खासकर क्रिसमस के वक्त और न्यू ईयर के वक्त भी जो यहाँ पर टूरिस्ट की भीड़ है वो बढ़ जाती है। लेकिन इस बीच जो मौसम है वो काफी खराब होने की वजह से लोगों से भी यही अपील, जो खासकर बाहर से लोग आ रहे होते हैं उनसे अपील यही की जाती है कि सावधानी जो है गाड़ी चलाने के दौरान वो बरतें, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो जीरो हो जाती है इस दौरान। और हिमाचल प्रदेश में आपको बता दें तापमान में काफी हद तक गिरावट जो है वो दर्ज की गई है, अब ऐसे में सावधानी बरतने की जो हिदायत है वो यहां पर दी जा रही है। कई जिलों में घनी धुंध छाने की चेतावनी है वो जारी की गई है। और ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, और सुभाष भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, क्योंकि मौसम का मिजाज यहां पर बदला है और लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से अभी क्या कुछ जानकारी जो है वो यहां पर दी जा रही है प्रदेश के मौसम को लेकर? विकास, अभी ये ठंड की ठिठुरन और बढ़ने वाली है आगे? निश्चित रूप से, क्योंकि अभी तो आगाज है, और ऐसे में सबसे पहले तस्वीरें आपको मैं दिखाऊं, उसके बाद तफसील से आपसे बात करता हूं। ये ऐतिहासिक रिज मैदान है राजधानी शिमला, और राजधानी शिमला का वजूद आप इसी बात से अंदाजा लगाइए, यहाँ का मौसम, यहाँ की आबो हवा और जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसके बाद ही यहाँ का नजारा बनता है। आज पूरी तरह से चटक धूप जो है वो यहाँ पर खिली हुई है, और ये आलम पहला नहीं है, इससे पहले भी करीब करीब 10 दिन से इसी तरह से मौसम जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। इससे पहले जो ताज़ा बर्फबारी यहाँ पर हुई थी, इससे पहले उसमें जरूर ठंड की ठिठुरन जो है वो यहाँ पर बढ़ गई थी, और उसके बाद निश्चित रूप से तापमान जो है उसमें गिरावट दर्ज की गई थी। दूर तक अगर हम कैमरे की नजर से अगर आपको दिखाएं तो ये जो है धौलाधार की पहाड़ियां हैं, शिवालिक की पहाड़ियां हैं, जो इस समय जो है कैमरे की नजर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि दिन का समय है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी से जो धुंध है वो नहीं है, और ऐसे में मौसम विभाग का ये कहना है कि जो मैदानी इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, जिनमें कांगड़ा है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, मंडी है, ये तमाम जो जिले हैं यहाँ पर धुंध जो है वो आने वाले समय में रहेगी, और सुबह और शाम का तापमान जो है उसमें गिरावट और ज्यादा दर्ज की जाएगी। शिमला के तापमान की अगर हम बात करें तो न्यूनतम तापमान जो है 7.6 डिग्री के आसपास जो है वो अभी यहाँ पर बना हुआ है, और इससे अगर आसपास के इलाकों की अगर बात करें तो इसी तरह का तापमान है, लेकिन अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो वहां न्यूनतम तापमान जो है उसमें 2 से 4 डिग्री तक जो है वो गिरावट दर्ज की, 5, 6 और 7 डिग्री के आसपास जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में विजिबिलिटी के ऊपर असर जो है वो जरूर इसका पड़ेगा। मौसम विभाग का ये कहना है कि विजिबिलिटी के कारण कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो यहाँ पर बढ़ सकती हैं, और ऐसे में निश्चित रूप से जो गाड़ी चलाने वाले लोग होंगे, वाहन चालक जो लोग होंगे, उनको जरूर थोड़ा संभल कर यहाँ पर ड्राइविंग जो है वो यहाँ पर करनी होगी। और ऐसे में जो मौसम विभाग है उनका ये भी अनुमान जो है वो यहाँ पर लगाया गया है कि आने वाले 1 हफ्ते तक करीब इसी तरह का मौसम जो है वो बना रहेगा, यानी चटक धूप जो है
वो हिमाचल प्रदेश के जगह जगह देखने के लिए मिलेगी। हालांकि जो मैदानी इलाके हैं वहां थोड़ा देरी से धूप निकलेगी, क्योंकि धुंध के आगोश में तमाम ये इलाके आज के बाद जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। ठिठुरन बढ़ेगी आने वाले दिनों में, सर्दियां बढ़ने वाली हैं, सर्दियों का आगाज जो है वो यहाँ पर हो चुका है। मौसम विभाग का ये भी अनुमान है कि इस बार अच्छी बर्फबारी की उम्मीद है, क्योंकि हमने देखा कि बरसात के मौसम में भी भारी बारिश जो है वो यहाँ पर दर्ज की गई है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश यहाँ होने के बाद अब इसी तरह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार सर्दियां जो है वो समय से आएंगी, बर्फबारी समय से होगी और निश्चित रूप से इसका असर भी देखने के लिए मिलेगा, खास तौर पर पर्यटन व्यवसाय के ऊपर, क्योंकि पर्यटन व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है 5000 करोड़ की एक ऐसी इकोनॉमी जो कि सिर्फ पर्यटन कारोबार के ऊपर यहां पर टिकी हुई है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका असर देखने के लिए मिलेगा और पर्यटन कारोबारी जो इस पर्यटन कारोबार से जुड़े जो छोटे मोटे कारोबारी हैं, बड़े कारोबारी हैं, वो जरूर खुश जो है वो हिमाचल प्रदेश में नजर आ रहे हैं। चलिए, बदलते मौसम के मिजाज के साथ ठंड की ठिठुरन जो है वो बड़ी है और इसका असर जो है वो मैदानी इलाकों में खासकर राजधानी दिल्ली तक भी महसूस किया जा रहा है। विकास, बने रहिए आप हमारे साथ, सुभाष ठाकुर बिलासपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। सुभाष, कैसा मौसम वहां पर बना हुआ है? ठंड की ठिठुरन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसका एहसास जो है वो मैदानी इलाकों में भी पड़ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, अगर विस्तृति की बात या ठंड की बात की जाए तो बिलासपुर में भी काफी देखने को मिल रही है। सुबह शाम काफी विजिबिलिटी कम हो रही है, धुंध का प्रकोप 11 बजे तक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसमें हम मौजूद है गोविंद सागर झील जो नजदीक है उसके नजदीक है, तो अभी भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा पीछे विजिबिलिटी काफी कम है, लेकिन जैसे ही धूप खिलना शुरू हो जाती है तो विजिबिलिटी यहाँ पर कम हो जाती है। और अगर बात की जाए सुबह शाम की, तो सुबह शाम यहाँ पर ठंड काफी बढ़ चुकी है जिससे कोहरा भी पड़ना शुरू हो चुका है, तो गाड़ियों में फिसलन देखने को मिल रही है। तो प्रशासन की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया है चालकों के लिए कि अपनी गाड़ियों को विजिबिलिटी के इसमें धीरे चलाएं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये जरूरी भी हो जाता है क्योंकि टूरिस्ट सीजन जो है वो पीक पर है और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि ध्यान रखें अगर आप हिमाचल प्रदेश का रुख यहां पर कर रहे हैं। विकास, क्योंकि लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, टूरिस्ट सीजन भी पीक पर है, ऐसे में व्यापारियों के चेहरे तो खिले हुए हैं, बागवानों के लिए ये ठंड जो है वो कितनी ज्यादा अच्छी या साबित हो रही है? देखिए, ऊंचाई वाले इलाकों में अंजलि, क्योंकि ये बात समझना होगा कि सेब का कारोबार भी एक बड़ी इकोनॉमी है, 6000 करोड़ के आसपास की एक बड़ी इकोनॉमी है जो सिर्फ व्यवसाय सेब के ऊपर यहाँ पर टिका हुआ है, और ऐसे में देश भर में दिल्ली में भी आप जो सेब हैं वो हिमाचल का खाते होंगे, तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश का जो ये सेब निकलता है इसको चिलिंग आवर चाहिए होते हैं, यानी जो बर्फबारी है अगर समय से हो और टिकी रहे उसको देखकर जो है वो इसकी अच्छी क्वालिटी, अच्छा साइज और अच्छे दाम से जोड़कर जो है वो इसे देखा जाता है। तो निश्चित रूप से इसका भी असर देखने के लिए सेब कारोबार के ऊपर जरूर देखने के लिए मिलेगा। हालांकि अभी तो कई तरह की और चीजें हैं जो सेब के लिए, जो प्राउनिंग की अगर बात करें या फिर अगर बात करें उसको खाद देने की या फिर जिस तरह से अलग अलग चीजें जो है दवाइयों का छिड़काव किस समय पे किया जाता है, ये तमाम चीजें रहती हैं, लेकिन उससे पहले बर्फबारी एक बहुत अहम फैक्टर जो है वो यहाँ पर रहता है। आने वाले दिनों में अगर बर्फबारी और समय से अगर यहाँ पर होती है, क्योंकि अभी तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है, अभी जो मध्यवर्ती इलाके हैं या उसके निचली मध्यवर्ती इलाके होंगे या उसके बाद जो निचले इलाके होंगे वहां पर बारिश जिस तरह से होगी और उसके बाद कहीं ना कहीं बर्फबारी, अब क्योंकि एक हफ्ते का समय जो है वो यहां पर मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है, मौसम विभाग का यह कहना है कि अगले एक हफ्ते तक चटक धूप हिमाचल प्रदेश के जगह जगह सभी जिलों में लगभग जो है वो देखने के लिए मिलेगी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर मौसम जो है वो करवट लेगा और उसके बाद बदलते मौसम के साथ साथ जो पहाड़ों पर बर्फबारी है उसका दौर यहां पर शुरू होगा और उसके बाद मौसम और सर्द यहां पर रहने का अनुमान लगाया गया है। बागवान बेहद खुश है कि पहले जो शुरुआती दौर में, नवंबर के शुरुआती दौर में जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर बर्फबारी दर्ज की गई थी, तो लोग यही कह रहे थे कि इस बार अच्छी बर्फबारी की उम्मीद है, लिहाजा जो सेब का सीजन है वो भी अच्छा रहने का अनुमान जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, लौटूंगी विकास आपके पास। और सुभाष, क्योंकि अभी फिलहाल ये तो मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में ठंड जो है वो और भी ज्यादा बढ़ेगी, टूरिस्ट सीजन पीक पर है तो जाहिर तौर पर सैलानियों के लिए तो ये सोने पे सुहागा है, खासकर क्रिसमस सीजन के दौरान भी देखा जाता है कि स्नोफॉल का हर कोई इंतजार करता है, लेकिन इस बढ़ती ठंड ने स्थानीय लोगों का जनजीवन जरूर अस्त-व्यस्त कर दिया है। बात कर रहे थे और ठंड का भी बढ़ रहा है, तो अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए, ग्रामीण क्षेत्र में गेहूं, अदरक और अन्य जो फसलें किसानों ने बीज रखी है, कहीं ना कहीं किसानों के चेहरों पर निराशा भी अब देखने को मिल रही है, क्योंकि समय पर बारिश ना होने के चलते अब जो गेहूं की फसल और जो अदरक किसानों के द्वारा जो बीजा गया था वो नष्ट होने की कगार पर भी आ रहा है।
जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष आपका, विकास आप बने रही हमारे साथ। इस बीच जानकारी आपको यहां पर दे दे, क्योंकि मौसम ने करवट यहां पर जरूर बदली है, ठंड के ठिठुरन बड़ी है, लेकिन जो सैलानी है उनका यहां पर पहुंचना शुरू हो गया है। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी, बड़ी जानकारी आपको यहां पर देने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, बता दें आपको होटलों की ऑक्यूपेंसी जो है वो यहां पर बढ़ गई है, बर्फबारी वाले इलाकों में पहली पसंद यहां पर बन गए हैं। और बता दें आपको पर्यटकों को बुकिंग पर डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो बड़ी खबर, 25 दिसंबर तक अच्छी बर्फबारी की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। और HPTDC के होटल 40%, निजी होटल 7% तक बुक यहां पर हो चुके हैं। बर्फबारी वाले इलाके जो है वो पहली पसंद यहां पर बने हुए हैं। पर्यटकों को बुकिंग पर अच्छा खासा डिस्काउंट जो है वो यहां पर मिल रहा है। जाहिर तौर पर सैलानियों का यहां पहुंचना जो है वो शुरू हो गया है। और जैसा कि हम बता रहे थे, क्योंकि बढ़ती ठंड के साथ साथ अब खासकर दिसंबर का महीना और क्रिसमस के समय हर कोई जो सैलानी है वो यहां पर रुक करता है, तो जाहिर तौर पर अब एक बार फिर से जो पर्यटन सीजन है वो अपने पीक पर है। और ब्यूरो चीफ विकास हमारे साथ इस बीच लगातार बने हुए हैं, शिमला से हैं, और जाहिर तौर पर वहां पर आप देख पा रहे होंगे कितने टूरिस्ट जो है वो अभी से पहुंचना शुरू हो गए हैं। विकास, हम चाहेंगे कि आप तस्वीरों के साथ साथ वहां पर जो सैलानी आए हैं उनसे बातचीत करिए, क्योंकि दिसंबर का महीना आने को है, क्रिसमस हर किसी की इच्छा होती है कि वहां पर शिमला में जाकर सेलिब्रेट किया जाए। और शायद यही वजह है कि होटल्स की ऑक्यूपेंसी जो है वो फुल होती जा रही है और अच्छा खासा डिस्काउंट तक मिल रहा है। आप कोशिश करिए कि वहां पर जो सैलानी है उनसे भी बातचीत करिए और नजारे भी दिखाइए वहां के। बिल्कुल, सैलानियों से बात करने की कोशिश करता हूं, लेकिन उससे पहले आपको अहम जानकारी ये देना है। देखिए, जो 31 दिसंबर यानी कि नए साल के जश्न की बात जो है वो यहां पर कही जाती है, नए साल का जश्न इसी ऐतिहासिक रिज मैदान पर जो है, जो तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, चहल पहल से अंदाजा आप लगाइए इस समय जो चहल पहल यहाँ पर हो रही है। तो ऐसे में लोग जो है वो बाहरी राज्यों से जरूर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी तो दिन का समय है, ज्यादातर दिन के समय में जो लोग होते हैं वो यहाँ पर स्थानीय लोग ही यहाँ पर आते हैं, लेकिन सुबह और शाम के वक्त जो है वो ज्यादातर सैलानी जो है वो यहाँ पर नजर आते हैं। अभी जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि कॉलेज स्कूल आसपास ही है, लिहाजा धूप का आनंद लेने के लिए भी ज्यादातर लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन ऑक्यूपेंसी की बात जो आपने अंजलि यहाँ पर की, ऑक्यूपेंसी देखिए, अभी जो पिछला वीकेंड जो अभी गया है, हाल ही में जो वीकेंड निकला है, इस पे जो नुकसान है शहर के जो कारोबारी हैं, होटल कारोबारी हैं, उनको नुकसान देखने के लिए मिला है। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि शहर के भीतर अब जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर कमरे नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर जो है वो कारोबार बहुत ढीला जो है वो यहाँ पर चल रहा है। वजह इसकी ये है कि जो आउटस्कर्ट के जो बाकी जगहें हैं, जहाँ जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ पर लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ऐसे में अभी आने वाले समय में ज़रूर उम्मीद इस बात की जताई जा रही है कि क्या हिमाचल में अब, क्योंकि पर्यटन सीजन जो है सर्दियों का, उसका आगाज़ हो रहा है, तो ऐसे में क्या हिमाचल में लोग जो हैं वो अब आएंगे, और अगर आते हैं, क्योंकि एडवांस बुकिंग जो है वो पहले ही बुक हो गया है, और जहाँ जो ऐतिहासिक रिज मैदान पर जो चर्च है, चर्च पर भी जो इसको सजाने संवारने का काम जो है वो चला, वो शुरू हो चुका है। और ऐसे में क्रिसमस, और खास तौर पर व्हाइट क्रिसमस, व्हाइट क्रिसमस इसलिए मशहूर है क्योंकि बर्फबारी के बीच क्रिसमस का आनंद उठाने का एक अलग ही नज़ारा रहता है। और ऐसे में उम्मीद लिए हजारों लाखों लोग जो है वो यहाँ पर जरूर पहुँचते हैं। कई बार ये नज़ारा मिलता है और कई बार ये नज़ारा नहीं मिलता है। रिज मैदान पर अगर बर्फबारी हो और न्यू ईयर और क्रिसमस ईव और ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर हो, तो निश्चित रूप से इसका असर जो है वो कारोबार के ऊपर इसका पड़ता है। ऐसे में लोगों को उम्मीद ज्यादा है, लोग ये कह रहे हैं कि इस बार जो है वो अच्छी कारोबार होने की यहाँ पर उम्मीद है। और बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर, क्योंकि लगातार लोगों की यही चीज़ें जो है वो रहती हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ का किस तरह से लुत्फ जो है वो यहाँ पर उठाया जाए। आबो हवा यहाँ की बिल्कुल अलग है, जहाँ मैदानी इलाकों में हम ये देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह से पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, लेकिन शिमला की आबो हवा आप तस्वीरों के माध्यम से आप देखें कि किस तरह से बिल्कुल क्लैरिटी यहाँ पर है, सुंदरता यहाँ पर है। और ऐसे में लोग जो हैं वो निश्चित रूप से इसका जो लुत्फ है वो यहाँ पर उठाते नजर आते हैं। पर्यटक जो बाहरी राज्यों से आ रहे हैं, ऑक्यूपेंसी जरूर यहाँ पर है, और ये भी माना गया कि वीकेंड के अलावा भी यहाँ पे ऑफ सीजन में भी अच्छी ऑक्यूपेंसी जो है वो यहाँ पर रहती है। और इस बार तो बर्फबारी समय से पहले हुई है, लिहाजा लोगों का ये कहना है कि जो बर्फबारी अगर यहाँ पर समय से होती है, जो पर्यटन कारोबारी है उनका भी ये कहना है कि अगर समय से बर्फबारी होना पर्यटन कारोबार को एक नई आयाम जो है वो यहाँ पर देता है, ऊंचाई जो है वो यहाँ पर मिलती है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका असर देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल
टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और टूरिस्ट जो है वो इस बात को जरूर यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ की आबो हवा ठंड जरूर यहाँ पर है, लेकिन दिन के समय पे जो मौसम यहाँ पर बना हुआ है वो काफी राहत भरा है। अभी तो राहत है लेकिन जब बर्फबारी यहाँ पर होती है तो यही राहत जो है वो आफत के रूप में भी यहाँ पर बदल बिल्कुल बिल्कुल यही राहत जो है वो आफत के तौर पर भी बदल आती है। हालांकि जो पर्यटक है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि शिमला के रिज मैदान की तस्वीरें, और चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि दरअसल दिल्ली में नगर निगम चुनाव के चुनावी प्रचार के लिए सीएम जयराम अपना दमखम दिखा रहे हैं। इस दौरान सीएम ने कहा है कि गुजरात में हम फिर से सरकार बनाएंगे और रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। मोदी जी जब जब गुजरात जाते हैं तो सब एक तरफा होता है। साथ ही हिमाचल में विधायकों को खरीद फरोख को लेकर सीएम जयराम ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। गुजरात का चुनाव मैं तो समझता हूं कि एक तरफा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्त माहौल है। अब की बार गुजरात के चुनाव में पिछले तमाम रिकॉर्ड टूटने की संभावनाएं हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि गुजरात में बहुत बड़ी जीत होगी, शानदार जीत होगी। और 27 वर्षों का कार्यकाल जो शानदार रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वो आने वाले समय में फिर रिकॉर्ड तोड़ते हुए 5 वर्ष के लिए फिर से सरकार बना करके कायम रहेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा पूरा विश्वास है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ नरेंद्र भाई मोदी जी जब जाते हैं तो काम एक तरफा होता है और उस तरह की परिस्थिति है वहाँ पर। और दूसरे जो दल वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की बात पे मैं अगर कहूँ या दूसरी जो आम आदमी पार्टी वहाँ प्रयत्न कर रही है अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर लोग बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, तरजीह दे रहे हैं उनको। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग की जाएगी, दोनों सीटें कम ज्यादा रहती हैं हिमाचल को लेकर। देखिए सवाल ही पैदा नहीं होता। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, अपने बलबूते सरकार बनाएगी और हमें किसी के सहयोग की आवश्यकता इस प्रकार से जिस तरह की उनने अपनी असेसमेंट लगाई है, अपने आकलन लगाए हैं, उन बातों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। भाजपा की सरकार बनेगी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। हिमाचल की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि पूरी प्रक्रिया चुनाव की कैंपेन की बहुत शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पर पूर्ण हुई है, लोगों ने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया। और उसके बाद मुझे लगता है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको इंतजार करना चाहिए 8 तारीख तक। और क्यों इतने इंपेशेंट बने पड़े, जो कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार यहाँ दिल्ली में बैठ करके अपने नेताओं को मिल रहे हैं और कितने मुख्यमंत्री के चेहरे वो अपने आप में इसमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हर आदमी मुख्यमंत्री बन करके यहाँ पर अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अब की बार परिणाम चौंकाने वाले होंगे। अधिकांश जो मुख्यमंत्री के चेहरे वो चुनाव में ही जीत करके नहीं आएंगे, वो हार जाएंगे। सर, दिल्ली नगर निगम में आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस दिया आपको मिला? दिल्ली कॉर्पोरेशन के चुनाव में अच्छा है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की कॉर्पोरेशन जो है वो अच्छा काम किए हैं। और बाधाओं के बावजूद, क्योंकि बीच में प्रदेश सरकार केजरीवाल की सरकार है और केजरीवाल की सरकार में सहयोग नहीं मिला काम करने के लिए, जिस प्रकार से उनको सहयोग मिलना चाहिए था प्रदेश सरकार की ओर से वो नहीं मिला। केंद्र का बजट मिलता रहा लेकिन उसको विलंब करके नीचे तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न रहे और जिसके कारण काम प्रभावित भी हुआ। लेकिन फिर भी उसके बावजूद यहाँ दिल्ली की जनता इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि एक संदेश देना है कि केजरीवाल जी, जमीन अब आपके नीचे से खिसक गई है। उधर आपको बता दें कि हिमाचल के किन्नौर और लाहौल स्पीति के बौद्ध अनुयायियों ने 4.5 साल के बच्चे को अपना धर्मगुरु मान लिया है। आपको बता दें कि बौद्ध भिक्षुओं का मानना है कि बौद्ध धर्म के निग्मा स्कूल के तकलुंग चेतुल रिम्पोन्छे का 4th जन्म इस बच्चे के रूप में हुआ है। कोरोना काल की वजह से पिछले 2 सालों से वो धर्मगुरु के 4th पुनर्जन्म को नहीं मना पाए। 2015 में हमारे 3rd धर्मगुरु का देहांत हो गया था, लेकिन 2018 में धर्मगुरु तकलुंग हम सभी के लिए 4th बार 2018 में लाहौल स्पीति में जन्म लिया।
ये बहुत बीते 7 सालों से हाँ बेहद इंतज़ार था उनका रीइंकार्नेशन, जो फाइनली यहाँ पे हमारे बीच उपस्थित है। तो आज जब जी नमकीन यिंगबो रिम्पोछे के द्वारा उनको प्रॉपरली मॉन्क ड्रेस और प्रॉपरली अब दोर्जे ट्रक का मेन लीडर लामा बन गया है। बुद्धिस्ट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमारा स्पीति के लिए भी बड़ा गर्व की बात है कि स्पीति घाटी में वो है। ये स्पीति घाटी को छोड़ के पूरा हिमाचल ऑल इंडिया में बड़ा खुशी की बात है जी। उधर जम्मू कश्मीर और साथ ही हिमाचल का सेब उद्योग संकट के दौर से गुजर रहा है। सेब बचाने के लिए बागवान सड़कों पर उतरेंगे। शिमला में हुई बैठक में दरअसल निर्णय लिया गया कि एप्पल फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयोजक सोहन ठाकुर ने बताया कि जंतर मंतर में धरना देने से पहले 10 जनवरी को हिमाचल के सभी ब्लॉक लेवल पर सेब बागवान प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान सेब की बागवानी पर आए संकट को केंद्र और राज्य सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। वो खर्चा भी पूरा नहीं होता है जो इस पर एक किसान खर्च करता है। तो इस वजह से कश्मीर से लेकर हिमाचल तक जो भी और उत्तराखंड जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं, एप्पल ग्रोवर्स हैं, एक साथ आवाज ना उठाए। आवाज उठाने का मतलब है कि भाई हम ये जीने का सवाल है हमारा, हमारे परिवार का, हमें मुआवजा चाहिए। बहुत दुख से कहना है कि हिमाचल प्रदेश की सरकारों और जो उसका तंत्र ना जो चुनौतियां सेब की खेती में आ रही है उसका अंकलन किया है, और जब ये किया नहीं है तो उन्होंने सारी खेती साधारण बागवानों पर छोड़ दी है कि किस तरीके से उसका विकास होगा। उधर हिमाचल में 8 दिसंबर को चुनावी नतीजे आने हैं, जिसके चलते कई नेता प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और सुजानपुर से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने कहा कि इस बार प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। ईवीएम की सुरक्षा पर राजेंद्र राणा ने बताया कि कांग्रेस को बीजेपी पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले भी ईवीएम से छेड़छाड़ की जा चुकी है, विदेशों में भी ईवीएम को नकारा जा चुका है। जिन कंट्रीज ने ईवीएम का सिस्टम शुरू किया था और बड़े एडवांस कंट्रीज जिन्होंने इसकी ईवीएम का सिस्टम शुरू किया था, इसके माध्यम से वोट डलते थे, काउंटिंग होती थी, उन लोगों का तो विश्वास उठ चुका है। उन्होंने तो बंद कर दिया, वो फिर नॉर्मल बैलेट पे चुनाव करवा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का तो लगाव ईवीएम से ज़्यादा है, इसलिए ईवीएम से ज़्यादा लगाव होने की वजह से कांग्रेस के लोगों को शंका रहती है कि नहीं कहीं ना कहीं ये कोई इसको हैक ना करे, कोई गड़बड़ ना करे, टेम्परिंग ना करे। तो नेचुरली ये सुरक्षा की दृष्टि से ताकि कोई ऐसी गुंजाइश ना रहे। और चलिए अब रुक करेंगे हिमाचल के अन्य खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। सोलन नगर निगम के काम में पारदर्शिता को लेकर आदेश हुआ जारी। दूसरी ब्रांच में सिर्फ कर्मचारी ही ले जा सकेंगे फाइल। कागज गुम होने के मामले में आएगी कमी। सोलन नगर निगम में पार्षदों के बीच छिड़ी जुबानी जंग। बीजेपी पार्षद ने मेयर पर साधा निशाना, कहा तुगलक की फरमान छोड़ विकास पर ध्यान दे नगर निगम के प्रतिनिधि। तेजी से चल रहा सोलन सब्जी मंडी का निर्माण, मंडी में डाले जा रहे हैं ग्रीन शेड्स। अगले साल 15 जुलाई तक लोगों को मिलेगी नई सब्जी मंडी की सौगात। पौंडसाई में मतगणना को लेकर निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने दी जानकारी, कहा मतगणना को पौंडसाई में पूरी हो चुकी तैयारी। नालागढ़ के रामशहर में लगा गंदगी का अंबार, स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जाहिर की नाराजगी, लोगों को है बीमारी फैलने का डर। ज्वाली में डीसी निपुण जिंदल ने लिया स्ट्रांग रूम की सुरक्षा का जायजा, सुरक्षा में काम कर रहे जवानों को दिए दिशा निर्देश। राजगढ़ में किया गया स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन, शिविर में 250 लोगों ने करवाई स्वास्थ्य की जांच, मौके पर कई डॉक्टर्स रहे मौजूद। पंत साहिब को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए नगर परिषद ने कसी कमर, शहर में सभी सड़कों को चकाजौन बनाने का काम हुआ शुरू।
ज्वाली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर लगाया तंबू। दिन रात तपहरेदारी में जुटे कार्यकर्ता, सीसीटीवी में कैद हो रही हर गतिविधि। बीए प्रथम वर्ष के परिणामों को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी। नाहन में एबीयूपी के छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी, प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। सोलन शहर में चलाई जा रही डोर टू डोर कूड़ा उठाने की मुहिम, नगर निगम ने मुहिम को लेकर बनाई कमेटी। मंडी के गर्ल्स स्कूल में क्लस्टर स्तर की साइंस प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ। मंडी के पटेल मैदान में खेल और ड्यूटी मीट का किया गया शुभारंभ। धर्मशाला में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध के मामले। ज्वालामुखी की धार्मिक नगरी में हुआ 5 दिवसीय मां बगलामुखी महायज्ञ का आयोजन। ज्वालामुखी में माता सेवा सदन खुदिया ने डायबिटीज के से ग्रसित मरीजों को पहुंचाई 11,000 रुपए की आर्थिक मदद। चलिए इसी के साथ हिमाचल की खबरों में भी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।